हाय गाइज, वेलकम बैक आवर गेमिंग चैनल। सो गाइज, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, और वो कैसे होगी बाद में बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में जाकर लाइक शेयर कर सकते हैं। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है, हम फिफ्थ जिम बैटल मोर्टी से जीत चुके हैं, और आज की वीडियो इंटरेस्टिंग इस वजह से होगी क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं। यस गाइज, सिंपली आज हम करेंगे क्या, हम मिशंस जैसा हम पहले वीडियोस बनाते थे मिशंस के ऊपर, वैसे ही वीडियोस बनाएंगे। और मिशंस मैं मिशंस की ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाऊंगा इस बार। अब मैं केवल दो से तीन मिशंस वीडियोस बनाऊंगा, और फिर उसके बाद केवल मैं सिक्स्थ जिम बैटल के जाऊंगा। और वैसे भी हमारे एक व्यूवर ने पहले ही हमें वो चेतावनी दे दी है कि जो सिक्स्थ जिम लीडर है वो स्टील टाइप है, ऐसा कहा है किसी ने। अब देखेंगे कि वो क्या स्टील टाइप है या नहीं है। तो चलते हैं गाइज, हमारा पहला मैच स्टार्ट होने वाला है। सो गाइज, अब हम अपने मिशन का पहला बैटल करने वाले हैं, जिसका नाम है एकी। और ये इसको हम हराने वाले हैं। आप तैयार हो हमारे साथ? क्या हम हरा पाएंगे या नहीं, ये आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन हम बहुत पूरी तरीके से तैयार हैं कि इसको हराएंगे। आकी हो या फिर ये एकी, जो भी नाम हो, इसका नाम भी बड़े अच्छे होते हैं। विपिन बेल आया है, तो हेराक्रॉस का क्लोज कॉम्बैट बहुत ही कोई बात नहीं, मेगा हॉर्न करके देखते हैं गाइस। और मेगा हॉर्न ने ऐसा वो कर दिया है, पहले ही मेगा हॉर्न करने चाहिए, लेकिन हमारे पे एच शेल बेल है, जिस वजह से आपको पता है हमारी एचपी को फ़र्क पड़ा नहीं। मेगा हॉर्न हम फिर से करेंगे, क्यों? क्योंकि मेगा हॉर्न अभी काम कर रहा है, और मेगा हॉर्न के बाद अब हमें हॉर्न अटैक करना चाहिए ना गाइज। और हॉर्न अटैक इसलिए करा क्योंकि उसकी एचपी कम थी, तो फिर हॉर्न अटैक से भी काम बन जाता। तो अब आ चुका है पॉलीरेथ, आ चुका है। इस मेरे हिसाब से क्लोज कॉम्बैट का ही असर हो पाएगा, लेकिन हमारा मूव बार बार फेल क्यों हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बार मूव फेल। चलो, अब लास्ट टाइम मौका है, क्लोज कॉम्बैट करा, लेकिन क्लोज कॉम्बैट ज़्यादा असरदार हुआ नहीं इसके ऊपर। तो हमारा लास्ट मौका है, क्या करेंगे हम? मेगा हॉर्न करेंगे, क्लोज कॉम्बैट करेंगे, बताइए। मेगा हॉर्न करेंगे सिंपली, लेकिन वो बार बार फेल हो गया है, पर ऐसे तो हम हार जाएंगे। और हारे ना इस बार मेगा हॉर्न, अब बिल्कुल निशाने पे लगता हुआ। और मेगा हॉर्न भाई, सच बताऊँ तो इतनी ठंड हो रही है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा है, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन तब भी वीडियोस बनानी है। और कल पता हो तो कल भी मैंने वीडियो स्किप कर दी, और कल भी ठंड की वजह से मैंने वीडियो स्किप कर दी, क्योंकि हमारा टाइमिंग सुबह का है और सुबह में मुझसे बनाई नहीं गई वीडियो, मैंने स्किप ही कर दी कल। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं अपना टाइम मैनेज कर लूँगा, पहले वीडियो बनाकर फिर टाइम पर अपलोड करूँगा, और अब से रेगुलर आएगी। और गाइज, बस एक चीज़ और कहनी है, जैसे कि हमने इस वीक में 800 सब्सक्राइबर का एम रख दिया था, तो उसमें 760 प्लस तो सब्सक्राइबर हो चुके हैं गाइस, केवल 40 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। तो मैं कह रहा हूँ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस मंडे तक, क्योंकि हमने मंडे की शाम तक का एम रखा था ये, और मंडे की शाम तक आप क्या कर दीजिए, सिंपली आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, बस वही रेड बटन दबाना है सब्सक्राइब वाला, और चैनल को 800 सब्सक्राइबर इस वीक में कंप्लीट करने हैं। तो वापस हम अपने टॉपिक पर आते हुए, और कन्फ्यूज़न अटैक करते हुए, कन्फ्यूज़न अटैक अच्छा साबित हुआ, लेकिन अब एक और अटैक अगर सही साबित हो जाए तो कन्फ्यूज़न का लेकिन थोड़ा सा बच गया, और जिस वजह से गाड़ी वो जाता हुआ, और हमारे 3 पोकेमॉन फैंटेड हो चुके हैं, उनके 4 पोकेमॉन फैंटेड है, लगभग इक्वल का मुकाबला होता हुआ। और एलाकाज़ेम क्या करेगा, साइबीम करेगा, और एलाकाज़ेम का साइबीम इतना ही स्ट्रॉन्ग था तो पहले ही गार्डिवोइर के मुकाबले एलाकाज़ेम को हिलाना चाहिए था, लेकिन हमने गार्डिवोइर पे ज़्यादा असर दिखाया। लेकिन अब वाटर टाइप वो आया है, और उसका हाइड्रोपम्प बड़ा खतरनाक है। गलत बात है, मिस्टी का जो वो था ना साइड, उसे हाइड्रोपम्प नहीं आता था, और आप इसे हाइड्रोपम्प सिखा रहे हो, गलत। लेकिन अभी हमारे पास एक पोकेमोन है जिसका नाम है रोजेलिया, जिसे पेटल ब्रिजार्ड जैसे हमले हैं, लेकिन क्या करें, अब कुछ भी करेंगे गया। तो हाइड्रोपम्प भी हर बार करता है, कुछ हो रही अटैक कर लिया करके हमारी कम एच पी जाए। अब गाइज मुकाबला बिल्कुल बराबरी का हो चुका है। मैग्नाजोन उस पर जो मूव हैं वो थोड़े सस्ते वाले हैं, और ये देखो सस्ते मूव 103 एचपी। फिर से हमने कुछ करा, उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, शायद हमने इलेक्ट्रिक टाइट्रेन करा, उसने भी अपनी डिफेंस स्पीड बढ़ाई। और ये क्या, कौन जीतेगा ये मैच, बिल्कुल ही बराबरी का मैच होता हुआ, कुछ किसी को कुछ नहीं पता कौन जीतने वाला है, लेकिन कोई भी जीते बस ये हाइड्रो पंप ना करे। और इसी के साथ गाइस हम जीत गए, कितने कितने से बचे हैं, बिल्कुल बिल्कुल काटे का मुकाबला था ये, और पहला तो जीत चुके हैं हम। अब क्योंकि हम आकी से जीत चुके हैं, सेकंड प्लेयर मनामी है, और मनामी
मनामी बड़ी कमीनी हुई है, उसे पता है कि हमारे पास केवल एक ही पोकेमोन बचा हुआ है, इस वजह से वो हमसे अभी फाइट करना चाहती है। लेकिन हम भी बड़े वाले, हम फ्री हो जाएंगे और फिर हम पोकेमोन सेंटर में जाएंगे। लेकिन तब भी देखते हैं वो उसे क्या शायद पता चले हमारे पास उनके पास कौन कौन से पोकेमोन है, यूज़ करके देखते हैं और शायद एक और पोकेमोन पता चल सकता है। ओ नो, हमने गलत मूव को डिसाइड करा और गलत मूव किया, गलत साबित ना हो जाए हमारे लिए। बस एक और परफेक्ट मूव लगे, अबे भैया तुम्हारा नहीं मेरा, बस अब तू एब्जॉर्ब मत करियो। फिर से उसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसका मतलब अब हमारा पत्ता कट चुका है और अब हमें जाना पड़ेगा कहाँ, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करता रहेगा वो पागल कहीं का। चलो उसे एब्जॉर्ब करने दो, हमें पता है उस पर ग्रास और टॉक्सिक का तो है कॉम्बिनेशन, तो ग्रास टॉक्सिक के हिसाब से ही हम वो करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो हम पोकेमोन सेंटर में आ चुके हैं, नर्स जॉय पोकेमोन को हील कर रही हैं, वो बेचारे फेंटेड हो गए थे तो अब वो शायद ठीक हो चुके हैं। लेकिन हमें अब अपने इस चार्ट को देखते हुए पोकेमोन की टीम को रिन्यू करना पड़ेगा, और क्या टीम रिन्यू होएगी या नहीं होएगी देखेंगे कि टीम को कितना मॉडिफाई करना पड़ेगा और टीम के कौन कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो बच जाएंगे। तो सिंपली आपको पता है हेराक्रोस नामक जो व्यक्ति हमारे हेराक्रोस नामक जो जीव है हमारी टीम में, वो तो अपनी टीम में जगह बिल्कुल परफेक्ट बना के ही रखा हुआ है, क्योंकि उसे निकालना हमारी हार में 50% वृद्धि करने के बराबर हो जाता है, क्योंकि हमारी जीत 90% हेराक्रोस की वजह से फिक्स हो जाती है। लेकिन हेराक्रोस को अगर निकाल देंगे तो वो जीत 90% से 40% पर आके ठहर जाती है। ये जा ही नहीं रहा है, ऑटो पैचिंग इस बार ख़राब हो गया, इस गेम के अपडेट की ज़रूरत है। मैंने उन्हें मेल भी करा लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं करा, गाइस क्या कहें, कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा। उन्होंने भी कहा अब मैं देखता हूँ और के दूसरी जगह से मेल करने को, बहुत ही जल्द अगर आपका अभी तक ये वो सर्वर ठीक नहीं हुआ तो शायद हो सके वो या तो रिप्लाई ना कर रहे हो लेकिन और उस पर काम करना शुरू कर दिया हो, अगर पढ़ा हो उन्होंने मेल तो। लेकिन अब हम मनामी से लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, अब मनामी का बुरा हाल होएगा। और हेराक्रोस के सामने ग्रास टाइप और टॉक्सिक टाइप है, हेराक्रोस ने अपना पहला मेगा होन अटैक करा और उसने भी बता दिया कि बेटा तू ही कम नहीं है, मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ। लेकिन तब भी हेराक्रोस ने कहा जीतूंगा तो मैं ही। लेकिन दूसरा पोकेमोन कौन है, दूसरा पोकेमोन वाटर है, हमने कुछ गलती कर ली लगता है और वाटर के खिलाफ हेराक्रोस का क्लोज कॉम्बैट काम में आया और उसका हमला कुछ भी होए हेराक्रोस फिर से जीत चुका है। और हेराक्रोस की इस जीत ये सराहनीय जीत है। और लेकिन क्रेबी को मारा तो उसका बाप आ गया, किंगलर गिरा तूने मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया, लेकिन हेराक्रोस गिरा ले तुझे भी हाथ लगाऊंगा। लेकिन किंगलर ने भी दिखाया कि बेटा तू जितने HP वो करता है ना उससे ज़्यादा मैं तेरे HP माइनस कर दूंगा ले। और इसी के साथ हेराक्रोस हारता हुआ, लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ था किंगलर भी हार जाता अगर हेराक्रोस एक मूव और अगर पहले कर देता। तो सिंपली पेटल ब्लिजार्ड करने की कोशिश करी हमने, लेकिन ये पेटल ब्लिजार्ड नहीं है तो कुछ और ही हो गया, क्यों, क्योंकि उसने उसका स्पीड ज़्यादा है। सो ये क्या हुआ, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, उसने मेरे पोकेमोन्स को हरा दिया है, बिल्कुल टक्कर के मुकाबला चल रहा है। और ये पोकेमोन आ चुका है, इस पर आपको पता है हाइपर वॉइस जैसी, और ये लो नाम लिया, शैतान हाजिर हो गया गाइस क्या करें। ये देखो हाइपर वॉइस और गायरोबोल का इसका कॉम्बिनेशन, इसकी तो एक भी HP नहीं गई लेकिन मेरा पोकेमोन हील हो गया, फेंटेड हो गया। लेकिन अभी हमारे पास हमारा चारिज़ार्ड बचा है, लेकिन चारिज़ार्ड कह रहा है बेटा तूने मेरे पे काम ही नहीं करा ले मैं हार जाऊंगा बार बार। लेकिन तब भी चारिज़ार्ड ने इसकी बहुत HP वो करी है, अगर ये हाइपर वॉइस अभी ना करे ना तो फिर गाइस बहुत ही मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये हाइपर वॉइस करे जा रहा है, एक बार नहीं छोड़ रहा है ये, चलो एक बार छोड़ दिया है इसने, कहा है कि मैं गायरो बोल करके छोड़ रहा हूँ हाइपर वॉइस, और इसी के साथ ये जाता हुआ। लेकिन टक्कर का मुकाबला हमारे अगले जो दो पोकेमोन हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं साबित हो सकते हैं, अगर लो मैं कुछ और बोलने वाला था लेकिन अब नहीं बोलूँगा, चुप रहूँगा। गार्डिवॉयर और गोलम जैसे पोकेमोन हैं, और गार्डिवॉयर फेरे टाइप है और वो इसके खिलाफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएगी, वो हमें पता है। लेकिन अब क्या करें, आज का मैच हमारे साथ बुरा हुआ, हम इनका बुरा करने आए थे उल्टा हो गया।
और इसी के साथ देखा जाए तो गोलम आ चुका है। क्या गोलम विग्लिटफ को हरा कर उसके लास्ट पोकेमोन को भी दिखा पाएगा? लग तो रहा है कि हमें उसका लास्ट पोकेमोन पता चल जाएगा कि कौन है। ऐसा ही चलता रहा तो हमें उसका लास्ट पोकेमोन ज़रूर पता चलेगा, लेकिन ऐसा चलता रहा तो हमें उसका लास्ट पोकेमोन नहीं पता चलेगा। और इसी के साथ गाइस लास्ट पोकेमोन नहीं पता चला और अब हम दोबारा से जा रहे हैं। हमने दरअसल उनके बीच का जितना भी आने जाने का स्किप कर दिया है कि वो ज़्यादा परेशान वाली बातें है नहीं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही बड़ी बन जाती है, इसलिए सोचा कि थोड़ा थोड़ा स्किप करके खेलेंगे तो मज़ा आएगा। तो मना भी हम आ चुके हैं फिर से तुमसे फ़ाइट करने, और इस बार हमने टीम को अच्छे से प्रिपेयर करा है, उनकी ट्रेनिंग करवाई है, और ट्रेनिंग करने के बाद अब आप तैयार हैं। सो गाइस इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ संडे में वीडियो आएगी, और वो वीडियो हो सकता है आधे घंटे की होए या फिर 20 मिनट की होए, क्योंकि उस वीडियो के अंदर गाइस हम पकड़ेंगे बहुत सारे नए नए पोकेमोन, क्योंकि हमने बहुत आगे तक की लेवल खोल लिया और उसके अंदर डिट्टो, टेंट्राकूल, वाटर टाइप के वो, और मैं इसमें ये भी बताऊँगा कि वाटर टाइप पोकेमोन कैसे आते हैं, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि वाटर टाइप हो, ग्रास टाइप हो, फ्लाइंग टाइप हो, कैसे भी पोकेमोन हो, वो कैसे आते हैं इस गेम के अंदर। और वो मैं संडे वाले दिन वो एक तरह से एपिसोड होएगा हमारा, एपिसोड फर्स्ट की तरह हम मान सकते हैं किसका, पोकेमोन कैचिंग का, क्योंकि हम पोकेमोन कैचिंग का करेंगे। और इतना ही नहीं, अगर आपको पोकेमोन जस्टिस के और भी एपिसोड चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, तभी मैं पोकेमोन जस्टिस के और एपिसोड बनाऊँगा, क्योंकि पोकेमोन जस्टिस पे सही रिव्यू नहीं आया है। तो आई होप अगर आपका कमेंट आएगा तभी मैं बनाऊंगा, वरना नहीं, वरना हमारा पोकेमोन कैचिंग चलेगा संडे वाले दिन। और पता है मंडे की शाम तक आपको क्या करना है गाइस? और मंडे की शाम तक कुछ भी करना है ये तो आपने देख ही लिया, बेचारे किंगलर बाबा का के साथ क्या करा है इन्होंने। हमारा हेराक्रॉस पूरे बदला लेने के मूड से आया था, और ये बदला लेना क्या कामयाब हो पाएगा हेराक्रॉस का या नहीं? और मेरे हिसाब से अभी उसके खिलाफ हेराक्रॉस को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि विग्लिटफ अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। तो आपको पता है कौन सा हमला करने वाले हैं हम, कोई सा भी करें, लेकिन इस बार चारिज़ार्ड नहीं बच पाए। अगर इस बार चारिज़ार्ड भी हरा देता इसे तो हम सीधे सीधे विनर होते, लेकिन इस बार भी नहीं हरा पाए। सो गाइस बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे कि मंडे की शाम तक आप मेरे 800 सब्सक्राइबर, मेरे नहीं हमारे 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए, हमारी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन क्या करें, 800 सब्सक्राइबर तब कंप्लीट होंगे ना जब मैं मैच में जीतूंगा भी, बार बार तो हारे जा रहा हूं मैं, लेकिन इस बार नहीं हारना है, इस बार जीत के ही जाएंगे। गार्डिवोर को इस बार हमने प्रमोशन किया है बैटिंग ऑर्डर में, और गार्डिवोर थोड़ा ऊपर उतरते हुए उन्होंने अच्छा कमाल दिखाया पिछली बार के मुकाबले। लेकिन विग्लिटफ उनसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आ चुके हैं, वो बहुत तेज बॉलिंग कराते हैं, और इसी के साथ क्लीन बॉल्ड कर दिया गार्डिवोर को, एक ही बॉल में क्लीन बॉल। लेकिन अभी हमारे पास ओहो, अब मैग्नाजोन हमारे लिए ख़तरनाक साबित नहीं, बहुत अच्छे साबित हुए हैं, अगर मैग्नाजोन लास्ट तक टिक सके तो। और क्या मैग्नाजोन लास्ट तक टिक सकेंगे, और ये तो मैग्नाजोन खुद बताएंगे, या फिर हम कैसे बताएंगे। तो इसी के साथ मैग्नाजोन ने उसे कैच आउट कर दिया है, और लास्ट अब बचा हुआ है हमारे पास दो पोकेमोन हेंगे, तीन हेंगे लगभग, लेकिन क्या करें, क्या उसके खिलाफ साबित हो पाएगा, क्योंकि ग्लूम पोकेमोन है, और ग्लूम का तो पिछली बार मैंने दिखाया था आपको कि इससे पहले भी एक पे था और उसने क्या हाल करा था हमारा। और ये देखो उसने अपनी HP रिस्टोर कर ली है, लेकिन वापस उतनी ही माइनस हो चुकी है। वो बार बार रिस्टोर करे या एब्जॉर्व करे, और एब्जॉर्व हमला मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत गलत हमला है ये एब्जॉर्व का। अब हेराक्रॉस की बारी है, क्या हेराक्रॉस जीत पाएगा या फिर रोज़ेलिया को आना पड़ेगा। और मेगा हॉर्न ने अच्छा खासा अटैक दिखाया, लेकिन वो एब्जॉर्व हमला करेगी नहीं, उसने कहा एब्जॉर्व करके फ़ायदा नहीं है लेकिन तुम्हारा घाटा ही है, एब्जॉर्व करते तो शायद एक टाइम को बच जाते तुम। और इसी के साथ गाइस हम जीत चुके हैं मनामी से, और अगला मिशन एपिसोड आएगा बाद में, और अब हम मिशन कंप्लीट बाद में करेंगे। लेकिन अब आज के लिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इस वजह से हम इतना ही रहने देते हैं, और फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इतना ही नहीं, आप बस मंडे के शाम तक 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए, और बाकी ऐसी और वीडियोस, अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। सो गाइस मैं बस एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जैसे कि हमारा आपने देखा था, हमने वो फोर्थ जिम लीडर विटनी से जो फाइट करा था, वो उस वीडियोस पर 1K व्यूज़ कंप्लीट होने वाले हैं। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, लोगों ने बहुत पसंद की है उस वीडियो को, नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, फिफ्थ जिम बैटल को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और इतना ही नहीं उसके साथ हमारा
वो ट्रेवल टूरिज्म ट्रेन ट्रेवल को भी पसंद किया जा रहा है, तो आपको अगर देखना है तो वो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसके बाद क्या बोलूँ, अब क्या बोलूँ, बस कुछ नहीं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे डिट्टो, मेडीचैम्प, मरीप और टेंगल जैसे पोकेमोन इसमें ग्रास में मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वाटर टाइप कैसे आते हैं। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और कुछ नहीं।